दोस्तों मित्रों प्रणाम नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना ये जुआर लोकल न्यूज़ चैनल आपकी आवाज़। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो समाज की आवाज़ है और वो सभी मित्रों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यजवाड़ गांव के खंडर अस्पताल में, जिसका नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, जो लगभग 25 साल से खंडर बना पड़ा है। आप सामने जो रंगाई पोताई वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका अगले साल विद्यापति समारोह के उत्सव के दौरान इसकी रंगाई पोताई किया गया था, और पीछे से पूरा अस्पताल खंडर बना पड़ा है, जिसका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने देखिए कि अस्पताल का खिड़की तक गायब कर दिया गया है, और अस्पताल के जो रूम है वो शौचालय की तरह शौच के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों इस अस्पताल का निर्माण लगभग 30 से 35 साल पहले हुआ था, और लगभग 25 से 30 साल से यह अस्पताल फिर से खंडर के रूप में बना हुआ है। इस अस्पताल को पुनर्निर्माण के लिए ना तो विधायक के तरफ से ध्यान दिया गया और ना ही सांसद जी के तरफ से कोई ध्यान दिया गया, और ग्रामीण प्रतिनिधि भी इस अस्पताल को लगभग नज़रअंदाज कर दिया। दोस्तों यजवार और आसपास के गांव के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ था यजवार गांव का ये अस्पताल। अगर किसी भी तरह से किसी भी लोगों का तबीयत खराब हुआ या कुछ भी हुआ तो इस अस्पताल में उनका इलाज पूर्णतः होता था। कहा जाता है कि 25 से 30 साल पहले इस अस्पताल में पूर्ण रूप से इलाज की हर एक व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध था। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो 25 साल पहले इस अस्पताल में पूर्ण रूप से इलाज होता था और आज ये खंडर बना हुआ है। दोस्तों इसके पीछे का भी राज बहुत ही गहरा है। हमारे गांव में कुछ दवा विक्रेता, कुछ दबंग लोग इस अस्पताल के डॉक्टर को मारकर पीटकर भगा दिया। उससे हफ्ता वसूली मांगा जाता था, उससे रंगदारी मांगा जाता था, जिससे हार कर इस गांव के अस्पताल के डॉक्टर इस अस्पताल को छोड़कर चले गए। तब से इस अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर आया और ना कुछ इलाज हुआ। हाल फिलहाल में कुछ वर्षों से कुछ कंपाउंडर, कुछ लोगों के द्वारा हल्का फल्का इलाज किया जाता है और अस्पताल के गेट को एक रूम में सिमट दिया गया। दोस्तों ये कटरा प्रखंड के अंतर्गत बिहार के सबसे बड़ा गांव जो जजुआर गांव में यह अस्पताल स्थित। इस अस्पताल में हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध थी। जजवार और आसपास के जितने भी गांव हैं, उस गांव के लोग इस अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते थे। आज यह अस्पताल इस तरह से खंडर बना हुआ है कि आपको देख के इस अस्पताल को डर लगने लगेगा। हर जगह गंदगी ही गंदगी और खंडर बना पड़ा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस अस्पताल की जो संपत्ति थी, जैसे खिड़की, लोहे का रॉड, ग्रिल वगैरह, सब यहां से चोरी हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए आपका अपना एजुआर लोकल न्यूज के द्वारा बार बार आवाज उठाया गया, लेकिन फिर भी इस अस्पताल का
कुछ भी भला नहीं हुआ। अब देखिए ये सामने जो खंडर रूपी जो दीवार दिख रही है ये अस्पताल का ही भाग है और इसके अंदर जो गंदगी है जो कचरा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अंदर जाके आप देखिए इस तरह से इस अस्पताल में गंदगी बिखरा हुआ है। लोग शौचालय की तरह इस अस्पताल का प्रयोग कर रहे हैं। इस अस्पताल के कुछ खंडर भवन में कुछ लोग इनका गलत रूप से भी प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों इतनी बड़ी जगह शायद ही किसी गांव में होगा जो अस्पताल के लिए दान में दिया गया हो। जजवार गांव के एक महान व्यक्ति ने इस अस्पताल के निर्माण के लिए जगह को दान में दे दिया क्योंकि अस्पताल का निर्माण हो और जजवार और आसपास के लोगों का कल्याण हो। लेकिन इस राजनीति के चक्कर में इस मतलबी प्रतिनिधि के चक्कर में इस अस्पताल का सर्वनाश हो गया। आज हमारे जजवार में बहुत सारे लोग हैं जो नेता प्रनेता विधायक सांसद बनने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे हुए हैं। अरे कुछ तो शर्म करो कि पहले इस अस्पताल का निर्माण करवाओ। खंडर अस्पताल जो सामने से आपको दिख रहा है कि ये खंडर रूपी अस्पताल है इसका आप निर्माण करवाओ, समाज का कल्याण करो। नेता प्रनेता आजकल एक नया फैशन है फेसबुक पे नेता, लोग फेसबुक पर ही नेता बन जाते हैं। 1500 लाइक आया वो विधायक में खड़े हो जाएंगे, वो सांसद बन जाएंगे, वो मुखिया बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे। भैया आप नेता बनो, पर नेता बनो, इस अस्पताल का पुनः निर्माण करवाओ, हम आपको वोट देंगे, हम आपको नेता बनाएंगे। आप सामने का वो जो खंडर जो दिख रहे हैं ये भी अस्पताल का ही भाग है जहाँ पे ऑपरेशन रूम था, यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता था मरीजों का। दोस्तों 2017 में इस अस्पताल के नाम से लगभग 80 लाख रुपए का फंड पास हुआ था। लेकिन यह भी दुर्भाग्य है कि 80 लाख रुपए का फंड पास होने के बाद भी इस अस्पताल का कुछ भी काम नहीं हुआ। इस अस्पताल का निर्माण तो दूर, इसकी साफ सफाई भी नहीं किया गया। दोस्तों आप सामने देखिए कि इस अस्पताल को कैसे सोच के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे शौचालय बना दिया गया। कहा जाए कि यह अस्पताल नहीं एक शौचालय है तो कुछ गलत नहीं होगा। यजवार की आबादी लाखों में है और यजवार और आसपास में कटरा प्रखंड के 22 गांव के लोग यहाँ पे इलाज करवाने आते थे। आज अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है, किसी को सांप काटता है, किसी को कुछ हो जाता है तो रात में ही मुजफ्फरपुर पटना या दरभंगा निकलना पड़ता है। कुछ लोगों के तो रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये नेता, ये प्रतिनिधि, ये ग्रामीण नेता, ये विधायक, ये सांसद जो अपने मतलब के लिए हमें और हमारे समाज को यूज करते हैं। आप देखिए कि ये दारू की बाटल आपको दिख रहा था। दोस्तों इस अस्पताल में मदिरा पान भी किया जाता है, हर एक नशीली चीज इस अस्पताल के प्रांगण में उपलब्ध है। कहाँ है हमारा प्रशासन, कहाँ है हमारा कटरा पुलिस जो दारू के खिलाफ अभियान चलाती है? इस अस्पताल के खंडर रूपी भवन में
खुलेआम दारू का सेवन भी किया जाता है, जिसका साबूत मैं आपको दे रहा हूं, आप देखिए। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे गांव में इस अस्पताल का फिर से पुनः निर्माण हो, जिससे हमारा समाज, हमारा गांव सुरक्षित रहे और मुझे हर एक सुविधा हमें अपने गांव में ही मिले। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में। दोस्तों, मैं आपको हर बार इस अस्पताल के लाइव और वीडियो दिखाते रहूंगा जब तक इस अस्पताल का पुनः निर्माण नहीं हो जाता। हमारे गांव के लिए भी सिर्फ जजुआर गांव राजनीति के शिकार भ चुकल है। अतेक बड़का जगह, अतेक बड़का रूम, अतेक बड़का